दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे किचन में। तो आज बनाएंगे दोस्तों तेलंगाना स्टाइल फिश करी। दोस्तों मछली की अदर रेसिपी से थोड़ा सा इसका स्वाद थोड़ा हट के होता है, थोड़ा यूनिक होता है, खाने में दोस्तों बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए आज की इस लाजवाब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों तेलंगाना फिश करी बनाने के लिए यहाँ पर हम आधा किलो मछली लिए हैं। मछली को अच्छे से धोकर साफ कर लिए हैं। इस बेहतरीन रेसिपी को बनाने के लिए दोस्तों आप कोई भी मछली ले सकते हैं। यहाँ पर हम रोहू मछली लिए हैं। तो सबसे पहले मछली में आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा नमक ऐड कर देंगे। अब बराबर मिक्स कर लेंगे। तो बराबर मिक्स हो चुका है, अब इसे एक जगह पे रख देंगे। तो अब एक इमली का रसम बनाएंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इमली को दोस्तों पानी में फुलाकर इसके पल्प को अच्छे से निकाल लिए हैं। इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटी चम्मच के बराबर होममेड गरम मसाला पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इमली का रसम बराबर मिक्स हो चुका है, इसे भी एक जगह पे रख देंगे। अब कढ़ाई में दो चम्मच के बराबर शुद्ध सरसों का तेल ऐड करेंगे। अब दो मीडियम साइज के प्याज, दो हरी मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और दो से तीन चम्मच सूखा नारियल को कद्दूकस कर लिए हैं, इसे ऐड कर देंगे। तो सभी को दो मिनट के करीब अच्छे से भून लिए हैं। अब इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे हम सिलबट्टे में ऐड करेंगे और बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई में तीन चार चम्मच शुद्ध सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब जाएगा आधी छोटी चम्मच राई, दो सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अब एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अब इमली के रसम को ऐड कर देंगे। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा। अब इसमें जाएगा प्याज और नारियल का पेस्ट जो बनाकर तैयार किए थे। और साथ ही जाएगा दो टमाटर का हम प्यूरी बना लिए हैं, इसे ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को दोस्तों हम धीमी धीमी आंच में तब तक भूनेंगे जब तक मसाले में से अच्छे से तेल ना छोड़ दे। तो फाइनली दोस्तों मसाले को 5 मिनट अच्छे से भुने हैं और मसाला अच्छे से तेल छोड़ दिया है, यानी कि मसाला दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से भूनकर तैयार है। अब इसमें हम ग्रेवी के अकॉर्डिंग हल्का गुनगुन पानी ऐड करेंगे। तो ग्रेवी में दोस्तों अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब मैरिनेट किया हुआ मछली के पीसेस को ऐड कर देंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। तो तेलंगाना फिश करी में दोस्तों सभी इंग्रेडिएंट्स स्टेप बाय स्टेप ऐड हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन। अब ढक कर हम 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो दोस्तों 10 से 12 मिनट मछली को पकाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिए थे, अब इसे ओपन करते हैं। और ये तेलंगाना मछली करी का फाइनल लुक देखिए, बहुत ही बेहतरीन, एकदम लाजवाब। तो अब दोस्तों इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीके से तेलंगाना मछली करी। दोस्तों मछली करी की रेसिपी तो आप बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तेलंगाना मछली करी की बात ही कुछ और है। दोस्तों आप इसे चावल के साथ सर्व कीजिए, आपको स्वाद इतना बेहतरीन लगेगा दोस्तों कि मज़ा ही आ जाएगा। इसके स्वाद को दोस्तों आप सालों साल नहीं भूल पाइएगा। तो दोस्तों तेलंगाना मछली करी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आपको थैंक यू बोल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली डिलीशियस रेसिपी के साथ। नमस्कार।